भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आप डिगिएगा मत, स्टेबल सरकार दीजिए जिससे कि जैसी सरकार चल रही है और जैसी गवर्नेंस डिलीवरी हो रही है वो होती रहे। सो प्रधानमंत्री ऑल्सो, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन अ वे वॉज रेस्पॉन्डिंग टू दैट कांग्रेस अटैक बाय सेइंग और टेलिंग द इलेक्टोरेट दैट प्लीज वोट फॉर अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड आई विल कम बैक। अभिषेक जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों तक कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के मित्र दलों के गाली गलौज सुनी है। इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अलग अलग प्रकार के झूठे आरोप, झूठी टिप्पणियां और अशब्द इस्तेमाल करने का। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल भी बहुत बड़ा है और उनकी सहन शक्ति भी बहुत है। वो इन गाली गलौज से कभी ना प्रभावित होते ना उससे कभी उनका रास्ता, उनका राह बदलती है। प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया इस देश को विकसित बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया कि देश के हर नागरिक तक विकास के लाभ पहुंचे। आखिर आप बताइए, अगर 2 करोड़ हमारी लखपति दीदियां जब आगे निकलेंगी, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी, तो देश का कितना आगे भविष्य उज्जवल होगा। जी, प्रधानमंत्री जी ने एक एक जो योजना इस देश को दी है उसमें बहुत गहरी सोच है। हम जानते हैं कि अगर एक अच्छा घर हो तो परिवार को साथ रखना, परिवार का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। लगभग 4 करोड़ परिवारों को एक मुफ्त में घर देना और एक प्रकार से उन परिवारों को लखपति परिवार बना देना, अपने आप में कितनी गहरी सोच है। और लाखों करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें खर्चा किया है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता का एक एक पाई जो सरकार को मिलता है, उस एक एक पाई का हिसाब भी देते हैं प्रधानमंत्री जी, उसका सदुपयोग करते हैं और बिना भ्रष्टाचार और बिना भेदभाव के देश के गरीबों के कल्याण में लगाते। इसी प्रकार से हमने एक एक योजना, आयुष्मान भारत हो स्वास्थ्य सेवा के लिए, चाहे कोविड के समय 220 करोड़ टीका मुफ्त में लगाने की बात हो, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है, या पहले लोगों को धुआं मुक्त करने के लिए कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाने की बात हो, देश में कोई एक घर ऐसा ना हो जिसके पास बिजली की सुविधा ना हो, या एक कोना ऐसा ना हो जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी ना पहुंचे हो, ऐसे अनगिनत योजनाएं और अमूल चूल परिवर्तन करने वाला काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष किया है जी। इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस, और इसी से देश का भविष्य उज्जवल बनेगा, देश ट्रांसफॉर्म होगा और देश के 140 करोड़ लोग, अधिकांश युवा युवती, आखिर देश एक युवा देश माना जाता है, युवा देश रहेगा अगले 30-40 वर्ष जी, इन सब की आशा अपेक्षा को पूरा करने का बीड़ा उठा के प्रधानमंत्री जी ने अपना कण कण क्षण क्षण देश को निछावर किया। पीयूष गोयल जी, एक और आज बात हो रही है जब प्रधानमंत्री ने अपना ये जो संबोधन किया उसके बाद, कि एक समय था भारत का और ये इतिहास का हिस्सा है शायद ग्रीन रेवोल्यूशन से थोड़ा पहले, कि भारत के पास अन्न नहीं था। जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो रेड फोर्ट से बोले हैं कि बहुत मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, मेरी संवेदनाएं हैं, कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह इस परिस्थिति से बाहर निकलें। और आज जैसा आपने बताया अभी कि अन्न के भंडार, और आपके पास अन्न मंत्रालय भी है, पूरे भरे हुए हैं, और हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम इतने सारे लोगों को कोविड के समय और उसके बाद भी फ्री राशन दे सकते हैं, तो ये बदली परिस्थिति का एक नया भारत है जिसका चित्रण प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री ने एक और बात बोली, क्योंकि आप G20 के शेरपा भी रहे हैं पीयूष गोयल जी, मैं 2 प्रश्न जो है क्लब कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, कि इंडिया इज अ प्रोवाइडर ऑफ स्टेबिलिटी ग्लोबली, भारत जो है पूरे विश्व को एक स्थिरता देने वाला मित्र राष्ट्र बना है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, पर उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम विश्व मित्र बन गए हैं।
अभिषेक जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने अन्नदाताओं को भी नमन किया है, हमारे किसान भाई बहन जिन्होंने अपने परिश्रम से इस देश के अन्न के भंडार भरे, पर्याप्त मात्रा में आज देश में हर प्रकार के अनाज की सुविधा है, और जिसके कारण आज कोई एक परिवार ऐसा नहीं मिलेगा देश में। और मेरे पास तो लिखित हर राज्य से आया हुआ है कि एक परिवार ऐसा नहीं है जिसको रात को भूखा सोना पड़े या स्टार्वेशन डेथ की कोई एक भी रिपोर्ट पूरे देश में नहीं। दूसरी तरफ भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे विश्व ने पहचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वसनीयता है, जो विश्व के नेतृत्व करने का आज भारत को मौका मिला है, उसमें पूरे विश्व की आंखें, पूरे विश्व की आस्था, पूरे विश्व का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारत के 140 करोड़ लोगों पर है। हमारी जो त्रिवेणी है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी, ये डिमांड भी क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटीज भी भारत में आती है, और इसी की वजह से भारत हैज बिकम द प्रोवाइडर ऑफ स्टेबिलिटी एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, बट ऑल्सो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आज पूरे विश्व की आवश्यकता है जी। आज चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या कई सारे फूड स्टफ्स की या अनाज और अलग अलग खाद्य पदार्थों की बात हो, आज हमारे आप जानते हैं कि लगभग विश्व भर में 4 लाख करोड़ के खाने पीने का सामान भारत से विदेश में निर्यात होता है जी। आज भारत से दुनिया भर की ऐसे वस्तु जाते हैं, दवाइयां जाती हैं, वैक्सीन जाते हैं जो विश्व की आवश्यकता है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन का एक अभिन्न अंग बन रहा है, विदेश और देश की कंपनियां और निवेशक आज भारत में बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटियां बढ़ रही है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आपने देखा कि जो सल्यूट हुआ, गन सल्यूट, पहली बार आजादी के इस पावन पर्व पर भारत की अपनी बनी हुई तोपों से सलामी दी जी। अपने आप में एक संदेश है आत्मनिर्भरता जी, भारत के आत्मविश्वास का राइट। और ये छोटी बड़ी बातें मिलके आज भारत के हर नागरिक को, 140 करोड़ देशवासियों को जी संपन्न बनाने का रास्ता, मार्ग जी आगे बनाते जा रही है जी, और उनको उनका आत्मविश्वास और संबल कर रही है जी। क्या भारत रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, हारेगा नहीं जी। अब भारत एक तरफा आगे विकास के मार्ग पर चल निकला पड़ा है जी, और उसके लिए हमें एक निर्णायक नेतृत्व चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए, और इसी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के समक्ष रखी। अपोजिशन स्टिल से पीयूष गोयल जी, दैट टोमेटो इज स्टिल एक्सपेंसिव, टमाटर अभी भी महंगा है, पर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा एक कविता के रूप में के सबका सपना मेरा सपना, अपना सपना साकार हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। एवरीबडीज ड्रीम शुड कम ट्रू इन दिस पीरियड ऑफ अमृतकाल एज वी लुक फॉरवर्ड टू इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, देयर जॉइनिंग अस टू डिस्कस प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट।